गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार, कैसे हैं? मैं हिंदी टीचर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17, मरने से डरो, मरने से नहीं डरो रे, है ना, मरने से नहीं डरो रे। इसके इस कविता के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसका शब्दार्थ सदा पढ़ते हैं। देखिए, वैराग्य माने संसार से मन हट जाना, वैराग्य माने संसार से मन हट जाना, है ना, मोह माया छोड़ त्याग देते हैं। अच्छा, विवाह मतलब चमक, पीयूष अमृत, तुंग तुंग जो ऊंची चोटी है ना या पर्वत, सैल सैल मतलब यह पर्वत, शोम अमृत, सदृश किसी के समान, आन मतलब मर्यादा, अनय अन्याय, ठीक है, व्योम आकाश, व्योम क्या होता है आकाश, गहो रे मैने पकड़ो रे, उमंग मैने जोश उत्साह, संगीन मैने बंदूक पर लगा लोहे की नुकीले अस्त्र, है ना, उसको बोलते हैं संगीन, संगीन जुर्म बोलते हैं ना, जुर्म इस तरह से। अच्छा, सोनित रक्त, अश्रु आंसु, है ना, अयाल घोड़े की गर्दन के बाल, क्रिच नुकीली तलवार। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या, मरने से नहीं डरो रे, ठीक है। इसके जो कवि है वो क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी है। देखिए, ये क्या है, जो ओज विद्रोह है ना के कवि माने जाते हैं, को रामधारी सिंह जो है वो क्या है, ओज और विद्रोह के कवि माने जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या, बैराग छोड़ बाहों की विभा संभालो, बैराग छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों के छाती से दूध निकालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। आगे मैं वाचन कर दे रहा हूँ, ठीक है। है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, है ना, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, ठीक है, ठीक है। चढ़ तुंग सैल, है ना, चढ़ तुंग सैल शिखरों पर शोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी की सदृश जियो रे, है ना, फिर से मैं पढ़ता रहा, चढ़ तुंग, है ना, तुंग सैल, तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयों के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन, छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए, ठीक है। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, है ना, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है, ठीक है। छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, ठीक है। आगे देखिए, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। कभी क्या कहते हैं कि जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, इसका अर्थ हम बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। स्वतंत्र जाति की लगन, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, क्या, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, ठीक है। अब देखिए, वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे। अभी क्या कहते हैं, कितना अच्छा, वीरत्व छोड़ पर का मत चरण धरो गहोरे, है ना, गहोरे, गहो मतलब पकड़ो, है ना, जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोनित के बदले जहां अश्रु बहता है,
है ना, सोनी मैंने रक्त है ना, अश्रु आंसू, ठीक है, सोनित के बदले जहां अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। फिर से पढ़ते हैं इस पंक्ति को, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोनित के बदले जहां अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, पकड़ो अयाल अधड़ पर उछल चढ़ो रे, किरिचों पर है ना, किरिचों पर अपतन का चाम मढ़ो रे, जीवन हो तो मरने से नहीं डरो रे, पकड़ो अयाल अंधड़ पर उछल चढ़ो रे, किरिचों पर अपने तन की चाम मढ़ो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, है ना। ये जो कविता है किनके द्वारा रचित है, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित। इन्होंने क्या हो गया, इन्होंने इस कविता में है ना अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित किया कि किस तरह मतलब हमारे जो भारतवासी है, जो हमारे सैनिक को किस तरह से ये जीना जीतना चाहिए, इसी के लिए मैंने इस कविता को उन्होंने रचित किया गया है, ठीक है।